इससे जो दर्द पैरों तक जा रहा है उसमें आराम मिलेगा। अगर आपको शियाटिका की तकलीफ है और ये आपको काफी दिनों से तंग कर रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइज दिखाऊंगा जिन्हें करके कुछ दिनों में आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। शायाटिका यानी कि शियाटिक नर्व की तकलीफ। तो जब भी ये शियाटिक नर्व पे कोई कंप्रेशन होता है या कोई प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से हमें जो सिम्टम्स हैं वो कमर से लेकर पैर तक आ सकते हैं। तो ये कंप्रेशन दो जगह पर होता है, एक जहाँ से नर्व निकलती है जो कि लंबर स्पाइन है। तो यहाँ पे दो तीन वजह से ये तकलीफ होती है। एक, जब भी कोई डिस्कबल्ज होता है तो वो जो निकला हुआ डिस्क है वो अगर इस नर्व को दबाता है या उसको प्रेशर डालता है तब ये तकलीफ हो सकती है। दूसरा, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, ये जो जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है उसके बीच में जो स्पेस होती है उसे सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, जहाँ से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होता है। तो अगर ये जो सेंट्रल कैनाल है अगर वो साइज में छोटा हो जाता है तब ये शियाटिक नर्व पर प्रेशर डाल सकता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और तीसरा है, जब ओल्ड एज में ये हड्डियाँ घिस जाती हैं उसकी वजह से इसको बोलते हैं पेसेट आर्थ्रोपैथी, पेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी, यानी कि ये जो पेसेट जॉइंट होते हैं वर्टिब्रे के वो अगर शियाटिक नर्व पर प्रेशर डालते हैं तब ये तकलीफ आ सकती है। और चौथा है पाइरिफॉर्मिस मसल। तो ये जो शियाटिक नर्व है वो कमर से निकलते हुए कुछ लोगों में पाइरिफॉर्मिस नर्व के मसल के बीच से पास होती है और कुछ लोगों में पाइरिफॉर्मिस और ग्लूट मसल यानी कि जो हिप मसल है इसके बीच से पास होती है। जब भी इन मसल्स की टाइटनेस की वजह से इस नर्व पे कंप्रेशन होता है तब ये जो सिम्टम है वो हिप से लेके पैरों तक जाते हैं और साथ ही साथ झुंझुनाहट भी हो सकती है। इसी वजह से काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जब भी वो ज़्यादा देर बैठते हैं तब उन्हें ये हिप में पेन शुरू होता है। तो चलिए फिर कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे करके आप इस प्रॉब्लम को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को नी रॉकिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसे करने के लिए अपने बिस्तर पर बैक पर लेट जाएं और दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लें और फिर दोनों पैरों को एक साथ राइट की तरफ गिराएं और एक दो तीन चार पाँच वापस ऊपर लेके जाएं, फिर लेफ्ट साइड पर गिराएं और फिर एक दो तीन चार पाँच ऊपर लेके जाएं, राइट पे गिराएं, एक दो तीन चार पाँच लेफ्ट पे गिराएं, एक दो तीन चार पाँच। ऐसा आपको कम से कम 10 बार राइट की तरफ और 10 बार लेफ्ट की तरफ दोहराना है। याद रखें हर 3-4 घंटे पे इसे करते रहें। पहले 2-3 दिन इतना रेपिटेशन करना ज़रूरी है ताकि आराम जल्दी मिले। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने बैक पर लेट जाएं और फिर बारी बारी से एक एक घुटने को इस तरह से मोड़ना है और अपनी चेस्ट तक इसको लाना है यानी कि अपनी छाती तक। याद रखें इसको उल्टा ना करें, आपको ऊपर नी तक नहीं जाना है, अपने घुटने को मोड़ना है और दोनों हाथों से अपने छाती तक खींचना है जितना भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद उसे छोड़ दें 2-3 सेकेंड होल्ड करने के बाद, फिर दूसरे साइड पर करें 1-2-3 और छोड़ दें, और उसके बाद फिर पहली साइड 1-2-3 और छोड़ दें। ऐसा आप कम से कम 5-10 बार दोनों साइड दिन में 3-4 बार जरूर करें। ये एक्सरसाइज उस दर्द के लिए है कि अगर आपका कमर दर्द आपके पैरों तक जा रहा है। मान लेते हैं कि मेरा कमर दर्द कमर से होते हुए राइट पैर में जा रहा है, तो फिर क्या करना है, अपने पैर को इस तरह से मोड़ देना है, घुटने के पीछे इस तरह से पकड़ें और पंजों को अपनी तरफ खींच के रखें और फिर जितना हो सके उसे सीधा करें और फिर मोड़ लें, फिर वापस जितना हो सके सीधा करें और मोड़ लें। ऐसा आपको कम से कम 15 रेपिटेशन करने हैं और उसके 3 सेट करने हैं और हो सके तो दिन में 3-4 बार नहाएं। इससे जो दर्द पैरों तक जा रहा है उसमें आराम मिलेगा। अगर ये दर्द लेफ्ट पैर में जा रहा है तो फिर लेफ्ट पैर को इस तरह से पकड़ें और सिर्फ अपने पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें, उतना जितना सीधा हो सकता है उतना सीधा करें और मोड़ लें
15 बार रिपीट करें, 3 सेट करें, इनमें 3-4 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज को कोर एक्सटेंशन बोलते हैं। इसे करने के लिए आप अपने पेट पे इस तरह से लेट जाएं और शुरुआत में अपने हाथों को अपने कंधों के पास रखें और सिर्फ अपने फोरआर्म को ऊपर आना है और नीचे जाना है। ऊपर आना है, 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है और नीचे जाना है। ऊपर आना है, 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है और नीचे जाना है। जैसे जैसे पेन इंप्रूव करेगा वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, पूरा ऊपर आ सकते हैं और नीचे जाना है। पूरा ऊपर जाना है, 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है और नीचे जाना है। याद रखें ऐसा करते समय आप अपने कमर को ना उठाएं, ये गलत होगा, इसलिए सिर्फ अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है और नीचे जाना है। ऐसा आपको कम से कम 10 रेपिटेशन करना है और हो सके तो आधे मिनट या 1 मिनट के ब्रेक के बाद वापस 10 रेपिटेशन को रिपीट करें। दिन भर में 2 से 3 बार रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को क्रॉसओवर या फिर रिवर्स क्वाड्रेंट्स भी बोलते हैं। इसे करने के लिए अपने बैक पर इस तरह से लेट जाएं, हाथों को शोल्डर लेवल पे रखें और बारी बारी से एक एक पैर को इस तरह से उठाएं, क्रॉस करके जमीन को टच करके वापस ऊपर जाएं और नीचे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएं, क्रॉस करें, जमीन को टच करें, ऊपर उठाएं और नीचे। इस तरह से आपको 5 बार दोनों साइड रिपीट करना है। ऐसा करने पर आपका जो लंबर स्पाइन है उसकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी और इस शियाटिका की तकलीफ में आपको काफी राहत मिलेगी। अगली एक्सरसाइज हम हिप मसल के स्ट्रेचिंग के लिए करेंगे। याद रखें इसे तभी शुरू करें जब आपका दर्द कम से कम 50% तक कम हो चुका है। इसे करने के लिए आप बैक पर लेट जाएं, दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ें और फिर एक पैर को दूसरे पैर के कुछ इस तरह से चलाएं और एक हाथ अंदर से और एक हाथ बाहर से दूसरे पैर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना है। ऐसा करने पे आपको राइट साइड में खिंचाव आएगा, उसे आधा मिनट होल्ड करना है और छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे साइड के लिए पैर को इस तरह से चढ़ाएं, एक हाथ बाहर से एक हाथ अंदर से पकड़कर पैर को इस तरह से खींचें, आधा मिनट यानी 30 सेकंड होल्ड करें और छोड़ दें। ऐसा 3 से 4 बार राइट पैर और फिर 3 से 4 बार लेफ्ट पैर में दोहराएं। इस एक्सरसाइज को क्रॉस रोटेशन स्ट्रेच बोलते हैं। इसे करने के लिए आपको अपने बैक पे इस तरह से लेटना है। मान लेते हैं कि जो तकलीफ है वो राइट साइड के हिप में है, तो क्या करना है कि राइट पैर को इस तरह से उठा के ऊपर रख लेना है और ये जो राइट पैर है इसे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट शोल्डर की तरफ पुश करना है और जो लेफ्ट पैर है उसकी मदद से आपको इस पैर को वहां पे मेंटेन करना है। इस पोजीशन में आते ही आपको स्ट्रेच महसूस होगा। इस स्ट्रेच को आपको आधा मिनट होल्ड करना है और 3 बार रिपीट करना है। अगर आपको तकलीफ लेफ्ट साइड पर है उसी तरह से लेफ्ट पैर को ऊपर ले लेना है और राइट हैंड से उसको राइट शोल्डर की तरफ पुल करना है और जैसे ही स्ट्रेच शुरू होगा उसे आधा मिनट होल्ड करना है और 3 बार रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स यानी हिप मसल के फॉर्म रोलिंग के लिए है। इसे करने के लिए क्या करना है कि रोलर पे इस तरह से बैठना है। मान लेते हैं कि जो पेन है हिप का पेन वो राइट में ज्यादा है, तो पूरा वजन है वो राइट साइड पर आ जाएगा, राइट हिप पर। लेफ्ट हिप जो है वो रोलर के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा और राइट पैर को इस तरह से ऊपर ले लें, लेफ्ट हैंड से उसे पकड़ के रखें और रोलर पे इस तरह से रोल करें आगे और पीछे और बेल्ट एरिया तक आपको रोल करना है। चाहे तो आप ज्यादा टिल्ट करके रोल कर सकते हैं और कम टिल्ट करके रोल कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन में ज्यादा पेन हो रहा है उस पोजीशन में ज्यादा रोल करें, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरे हिप को भी रोल कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आप जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आप उनमें से किसी भी एक मेंबर की हेल्प कर पाएंगे तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।